5 फरवरी को बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन 40 साल के हो गए। अपने बेटे के 41वें जन्मदिन पर बिग बी ने अभिषेक को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका नन्हा सा बेटा बड़ा होकर आज स्टार बन चुका है। बेटे अभिषेक बच्चन के जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन ने अपनी भावनाएं ब्लॉग लिखकर जाहिर की। ब्लॉग पर अभिषेक की खास तस्वीरें शेयर करने के साथ बिग बी ने पुराने दिनों को याद किया। ब्लॉग पर अमिताभ ने लिखा, एक वक्त वो था जब 1976 में उसका जन्म होने वाला था और मैं ब्रीच कैंडी अस्पताल दौड़ा था। उसके बाद वो बड़ा होता गया और ऐसा दिखने लगा जैसा अपनी शुरुआती तस्वीरों में नजर आ रहा है। मैं बच्चन जी के बेटे के रूप में पैदा हुआ था जो कि एक भी अक्षर बोलना सीखने से पहले ही एक सेलिब्रिटी बन गया था। अभिषेक अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में पैदा हुआ था और सेलिब्रिटी का अर्थ समझने से पहले ही सेलिब्रिटी बन गया था। अमिताभ ने आगे लिखा, मेरे पिता एक मशहूर और सम्मानित व्यक्ति थे और इसके कारण उनके लिए इस उपनाम के साथ जुड़े कुछ सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक कायदे निभाना जरूरी था। अभिषेक को भी इस सब से ही गुजरना पड़ा और अब भी पड़ता है। अभिषेक के जन्म को याद करते हुए अमिताभ ने लिखा, मेरे बेटे अभिषेक 41 के हो गए हैं और मैं बीते वक्त की कल्पना नहीं कर सकता। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के उन लम्हों को जहां जया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और हमारे फैमिली डॉक्टर शाह ने दरवाजे से बाहर झांक कर कहा था, आप क्या चाहते हैं? और उनके होठों पर मुस्कान बिखर गई थी जिसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि मुझे बेटा हुआ है। आपको बता दें कि अभिषेक ने पत्नी ऐश्वर्या, बहन श्वेता और बिग बी के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया।